हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा क्वेरी आ रहा है बार बार बच्चों की तरफ से कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं ये एक मेरा ओपिनियन है जो मैंने एनालिसिस किया है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये ICAI कहीं से कहीं नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ मेरा स्वयं का व्यक्तिगत ओपिनियन है जो एनालिसिस मैंने किया है। क्यों एनालिसिस किया, बच्चों ने इतनी क्वेरी रेज किया, बच्चा क्यों परेशान है, जो मेरा मेजर कंसर्न समझा बच्चों का। तो कई लोग हॉस्टल्स में रह रहे हैं अभी, तो आई कैन अंडरस्टैंड इमोशनली वीक हो जाते हैं, अपने माँ बाप नहीं मिल पाए इतने टाइम से और इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक मेजर कंसर्न इनका ये है। दूसरा कि सर एक मैं भी हंसूंगा उस चीज़ पे कि सर पढ़ना है नहीं पढ़ना है अभी मेजर एक इशू, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे अगर एग्जाम डेट का क्लियरिटी में हो तो पता ही नहीं चलेगा पढ़ना है कि नहीं। पर ये चीज़ जो सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन है कि पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये बहुत गलत है। इस पर हमें कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। आप कभी भी किसी रैंकर या किसी भी अच्छे स्टूडेंट का उठाइए इंटरव्यू, वो हमेशा यही बोलेगा सर मैं आर्टिकलशिप पीरियड से लेके 3 साल तक मैं बिल्कुल पढ़ता हुआ आया हूँ कंटिन्यूसली। अब सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन में वो स्टूडेंट्स फॉलो होते हैं कि पहले मैं भी आया करता था उसमें, पर गलत स्ट्रेटेजी होती है कि एग्जाम के 6 महीने पहले अपना पढ़ने बैठ गया। आपको और पहले से कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए पढ़ने के लिए, और जैसे 19 जून से जो पेपर होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बहुत रिमोट है इस पेपर को होने के लिए, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो गवर्न नहीं करते, इसको सेटिस्फाई नहीं करते जो आज की सर्कमस्टांसेस हैं कि 19 जून से एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैं रिमोट कह रहा हूँ, रिमोट। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, इसमें मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ आपको, डिमोटिवेट नहीं होना है। और सर मेजर कंसर्न पढ़ना नहीं पढ़ना, भाई डबल स्पीड से पढ़ना है, किताबें बंद मत करना गलती से, ये टाइम मिला है 19 जून के बाद कोई और डेट डिक्लेयर करेगा इंस्टीट्यूट, पर ये मेरा ओपिनियन है कि इंस्टीट्यूट जरूर 5 से 10 दिन के अंदर जरूर कुछ ना कुछ बात लेके आएगा, क्योंकि स्टूडेंट की चिंता इंस्टीट्यूट को बहुत है और रहती ही, हमेशा केयर करेगा इस चीज़ की, क्योंकि अभी सारे लोग इस दिक्कत से गुजर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट भी समझता है उस दिक्कतों को जो स्टूडेंट फेस कर रहा है। तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डबल स्पीड से पढ़ना है, अपनी किताबों से और प्रेम करना है और मेहनत करनी है और देखना कि हमको कहाँ हमको वीकनेस है, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करो, कन्वर्ट करो। तो अंतः इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ, मेरा कंक्लूजन ये मेरा ओपिनियन है कि 19 जून से एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रिमोट है, जो आज के सर्कमस्टांसेस हैं वो गवर्न नहीं करते उस एग्जाम को होने के लिए 19 जून से, और आगे की जो भी डेट मेरे ओपिनियन में इंस्टीट्यूट जरूर 5 से 10 दिन में जरूर जरूर आप तक वो बताएगा, क्योंकि आपकी चिंता वो बहुत करता है। तो अब स्टूडेंट का मेजर मेन कंसर्न मैंने हटा दिया दिमाग से, भाई पढ़ना तो है, एग्जाम हो या ना हो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम नहीं होगा तो पढ़ोगे नहीं क्या, पढ़ना है बेटा, पढ़ना है और मेहनत करना है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी इस चीज़ की, और पढ़ाई करेंगे और बाउंस बैक करेंगे, अपने हेल्थ पे काम करेंगे, अपने वीकनेस पे काम करेंगे और पर्सनालिटी पे काम करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सही करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों चीज़ें करने के लिए। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना यार, अच्छा टाइम मिला, हमेशा हमारी एक दिक्कत रहती थी कि हमें टाइम नहीं मिलता सर, टाइम नहीं मिलता। आज आपके पास टाइम है दोस्त, आज आपके पास टाइम है, सब है, कोई बाहर की डिस्ट्रेक्शन नहीं है कि वो घूम रहे हैं, सब अंदर पैक है घर में, यूज दैट टाइम, कुछ भी नहीं हो, मुझे पता है पढ़ रहे हैं आप लोग और दबा के पढ़ेंगे, रैंक टारगेट करो, और रैंक टारगेट करो, टारगेट जो भी मिला है रैंक टारगेट करो, कोई सिंगल ग्रुप दे रहा तो अपने सब्जेक्ट वाइज टॉप मार्क्स टारगेट करो, बिल्कुल करो, कोई भी दिक्कत है तो पूछिए मेरे से, आपका ना आप लोगों के पास मेरा नंबर है, बिल्कुल मैसेज डालिए, बेफिक्र आपके डाउट सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जय हिंद दोस्तों, अपना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ओके डियर।